केदारखंड जिसमें कि चार धाम आते हैं, उसी प्रकार से मानस जो एक हिमालय इधर और गंगा जी का, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर है जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ बद्रीनाथ धाम है वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान हैं। और मैं एक स्थान की चर्चा करूं ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, वन डेस्टिनेशन, टू डेस्टिनेशन, थ्री डेस्टिनेशन। आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन है उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए भी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बरसों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में, आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था तो वहां सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। मुझे इस अवसर पर यह भी बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दुनिया के प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट तथा महान अन्वेषक एवं पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट की कर्मभूमि कोई रही है तो उत्तराखंड रही है। यह भी एक सुखद संयोग है कि ब्रिटेन एवं उत्तराखंड, इंग्लैंड और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं एवं जलवायु है, आज मैं जब पार्लियामेंट में गया था तो वहां से देख रहा था कि सामने नदी बह रही है, तो ऐसा लगता था कि उत्तराखंड और ये यूके टू यूके, ये बड़ा यूके है, यूके